डक्की भाई पहले लोगों के लिए करते थे, लेकिन आजकल इन्होंने लोगों के उठाने भी शुरू कर दिए हैं। मतलब व्लॉग स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कभी रोमेसा के उठाए तो कभी मास सफदर के उठाए हैं भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मतलब लग रहा हूं ना डक्की भाई। आज हम बात करने वाले हैं अरूप जतोई के बारे में। जी हाँ, डंकी क्या नाम बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। आई मीन डकी भाई की वाइफ, डकी बहन के बारे में। जतोई को कौन नहीं जानता यार, गली का इवन के बच्चा बच्चा जानता है अरूप जतोई कौन है यार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मतलब इतनी टैलेंटेड बंदी है ये, डकी भाई को घेर लिया इसने भाई, डकी भाई को घेर लिया और पहली ही वीडियो में 1000 के सब्सक्राइबर। मतलब हम कहाँ जाएं, हम मर जाएं, हम जॉब छोड़ दें यार, 1000 के सब्सक्राइबर वो भी पहली वीडियो में बंदी ने हासिल किया। और इतनी टैलेंटेड है, मेरी खुद मतलब इनर फीलिंग आ रही है कि मैं इस बंदी को सब्सक्राइब करूँ यार। मगर क्यों यार, मतलब इस बंदी को अगर हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस बंदी का टैलेंट दुनिया को कैसे पता चलेगा भाई। जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई। अरीब जतोई की वीडियो तो भाई टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है यूट्यूब पे। बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत डकी भाई के बारे में यार। मतलब ये डकी भाई पहले लोगों के लिए करते थे, लेकिन आजकल इन्होंने लोगों के उठाने भी शुरू कर दिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मतलब व्लॉग स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कभी रोमेसा के उठाए तो कभी मास सफदर के उठाए हैं भाई। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, बस व्यूज चाहिए अपने। मतलब जो इनका टैलेंट था, जो स्किल थी, उसको तो इन्होंने लगा दिया आग और ये चल पड़े व्लॉग के चक्कर में। ये कहते हैं कि इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की मास सफदर को देख के, और साथ ही जो रोस्टिंग करते थे वो भी स्टार्ट की कैरी मिनाटी को देख के। अब पब्लिक इस इंतजार में है कि डैनी डैनियल से कब मतलब इंस्पायर हो रहे हैं और कब हम इनकी वीडियोज देखेंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बाकी ये वीडियो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए थी, मतलब एंजॉय करो, दिल पे नहीं लेना भाई। और बाकी मेरी दुआ है कि तुम्हारे साथ भी आमिर लियाकत वाला सीन ना हो जाए, मतलब फेम लेके बंदी साइड पे हो जाए और तुम्हें आम खिला दे और तुम्हें बोले आम खाएगा आम खाएगा आम खाएगा आम खाएगा आम।